I'm in East Delhi Lok Sabha constituency. This seat has become certainly the talk of the election 2019. जहां एक तरफ बीजेपी ने गौतम गंभीर को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से आतिशी मालिन चुनाव में है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोनों उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं। तो आइए जानते हैं ऑन ग्राउंड जनता क्या सोचती है। चुनाव 2019 12 मई को दिल्ली में चुनाव है, इस बार किसकी सरकार? हर बार मोदी सरकार। बहुत खुश है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी 5 साल हो गए हैं, अब क्या लगता है? अब तो वो भी बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से उम्मीदें तो बहुत थी, पर्सनली मुझे भी थी। मैं खुद एक बीजेपी का मतलब सपोर्टर रहा हूँ शुरू से, पर लास्ट टाइम मैंने वोट किया आम आदमी पार्टी को कि कुछ करेंगे, पर कुछ नहीं, सिर्फ बकवास। आम आदमी पार्टी की कौन सी ऐसी बातें जिससे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ आपको? बस बकवास, दैट्स इट। हाँ, उसको बकवास करने से मतलब है, उसके अलावा इससे कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी कहना हो, सिर्फ बस कहना है, कोई उसका तथ्य नहीं होता, कोई उसकी सेंस नहीं होती, बस कहना है। और कांग्रेस? कांग्रेस तो बस अब पूछो ही मत, जो जो कहते ना उगता ढलता सूर्य ढलता है ढल जाएगा, वो वाली कहानी है कांग्रेस की, तो वो ढल गया, वो ढल गया। 12 मई चुनाव दिल्ली, इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार ही के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वो काम करता है, वो कहता है, वो करता है। बाकी सब ये गठबंधन महामिलावट जो है ना, ये बहुत नुकसानदायक है। क्यों? ये सब अपने अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में लगे रहेंगे, देश का विकास ठप हो जाएगा, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, और ये सब अपने अपने आज तक नोट कमाए हैं इन लोगों ने, वो सब डर रहे हैं, इसलिए सब ये मिल रहे हैं सारे जने। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में 5 साल लगभग इनके पूरे हो गए हैं, और इस बार वो भी चुनाव में पूरे जोर जोर से लगे हुए हैं। देखिए, आम पार्टी का नेताओं में कमी नहीं है, परंतु उनकी जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है। क्यों? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। अब जैसे वो कह रहे थे कि हमने इतने जो को जेल में भेज दिया, इतने कोई लिस्ट नहीं दी आज तक किसी को भी, हमने इतने स्कूल बना दिए, वो कहाँ बनाए स्कूल? कहीं नहीं है। हमने सड़कें की रिपेयर कर दी, आप जिस बाज़ार में खड़े हैं यहाँ भी देखो कि 1 साल हो गया है, 2 साल आज तक सड़क बनी नहीं है, सीवर सारे जाम है, कोई काम नहीं है। सिर्फ ये है, बातें बना लो और काम ख़त्म। चुनाव 2019, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 5 साल उनको भी पूरे हो गए हैं? नहीं, तो अभी ये चुनाव जो है देश के हित में है, इसलिए देश के हित के लिए जो है ये लोकसभा का चुनाव है, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो विधानसभा के लिए और MCD के लिए वो भी अच्छी है। तो देश में आप चाहते हैं कि जो देश में है वो मोदी सरकार, और दिल्ली राज्य के लिए आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। बीजेपी? बीजेपी से खुश है? मोदी जिंदाबाद। और आम आदमी पार्टी को भी 5 साल दिल्ली में हो गए? शकल नहीं देखी कभी। अच्छा, मतलब यहाँ कोई प्रत्याशी आता ही नहीं है? मैंने नहीं देखा, अगर बाई चांस सामने आ जाए मैं पहचान नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मोदी सरकार मोदी है तो सही है, कोई घोटाला नहीं हुआ 5 साल में, कम से कम वो पैसा तो बचा जो 5 साल में बाहर जाने वाला था, वही काला धन यहीं रह गया। और कांग्रेस? कांग्रेस का अब क्या काम है देश में, अब तो बीजेपी ही है। मोदी जी की? मोदी सरकार से खुश है? हाँ, बहुत बहुत। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी 5 साल हो गए हैं? हाँ। क्या कहना है उसके बारे में? नहीं, मैं आपके बारे में वोट दूंगा तो सिर्फ मोदी जी को दूंगा। मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार को। इस बार किसकी सरकार? इस साल मोदी की सरकार चाहिए। मोदी का क्या है कि राहुल बाबा कहते हैं कि भाई कर्ज माफ़ करेंगे। कर्ज माफ़ी की मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने बेरोजगारों को 3500 रुपया दिया, 10 दिन में कर दिया, लेकिन आज हकीकत ये है कि 3500 रुपया किसी को नहीं मिला है। ऋण माफ़ी की बात है, उन्होंने ऋण माफ़ी राजस्थान में ऐसी करी है कि भाई जो डिफाल्टर हैं उन्हीं को दे रहा है। राजस्थान देखो, मध्य प्रदेश देखो, किसी किसान को कुछ नहीं मिला। वो आज कह रहे हैं चुनावी मुद्दों में, कह रहे हैं कि मैंने ऋण माफ़ी कर दी राजस्थान में। मतलब आपका कहना है कि 72,000 जो सालाना की बात है वो जुमला है? बिल्कुल जुमला है, और हो भी नहीं सकता। कोई भी अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर ये कन्वर्ट करके देखे कि भाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नामुमकिन चीज़ है। तो इस बार मोदी सरकार? बिल्कुल मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी ना के बराबर है। कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छी पार्टी रही है, और जो उसने जो किया है वो शायद ये नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने 5 साल में बहुत कुछ कर दिया है। बीजेपी ने ऐसा कर दिया है कि नोटबंदी, GST, सीलिंग, ये जो किया है आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो आप कांग्रेस के 70 साल के शासन से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कोई आपको कमी नहीं दिखती? कोई कमी नज़र नहीं आती। और आम आदमी पार्टी? उसको तो हम गिनते नहीं किसी में। नहीं गिनते? नहीं।
तो इस बार कांग्रेस कांग्रेस है जी। राहुल गांधी से खुश है? बिल्कुल जिंदाबाद। मोदी सरकार से खुश है? बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। बस मोदी सरकार, ओनली मोदी। किसकी सरकार देखेंगे इस बार? मोदी सरकार। खुश है मोदी सरकार से? बिल्कुल मोदी सरकार से खुश है। और आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस आम आदमी सफाया हो रहा है, बिल्कुल सफाया हो रहा है। हाँ जी। मोदी सरकार? मोदी सरकार। भाजपा होनी चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार खुश है? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल खुश है। कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कोई काम भी कर रहा है क्या कहें? कोई काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा। और कांग्रेस? कांग्रेस तो बेकार वैसे पहले से ही। तो अब की बार मोदी सरकार? बिल्कुल मोदी सरकार पूरे माना चाहिए, पूरे भारत में। मोदी सरकार से खुश? हाँ बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी? जीरो। कांग्रेस? जीरो। मोदी सरकार भरोसा पूरा? बिल्कुल 100%। मोदी सरकार? जी बिल्कुल मोदी। उसके अलावा कोई अच्छा विकल्प नहीं? और आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं, जीरो, जीरो। सब फ्लॉप है। इतना लंबा अरसा आपने दिल्ली में गुजारा है, कई सरकारें आई गई, अब चुनाव 2019, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? हम सेकुलर, जो भी पार्टी सेकुलर है उसकी सरकार हम देखना चाहेंगे, जो सांप्रदायिक भाव को लेकर के जिंदा रहना चाहते हैं उनको हम देखना नहीं चाहेंगे। और इस तराजू पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा खरी उतरती है, इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का ही शासन केंद्र में हो और तदनंतर उसके पश्चात वो राज्यों में भी कांग्रेस का ही शासन हो। ये गरीबों की बात कर रही है, अडानी अम्बानी की बात नहीं कर रही है। सिर्फ जो वर्तमान सरकार जो चल रही है मोदी सरकार, वो सिर्फ अडानी अम्बानी की बात कर रही है, गरीबों की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस होनी चाहिए। मुझे पता नहीं, मैं तो मोदी को जानती हूँ, मोदी ही इज बेस्ट है, बस वही प्रधानमंत्री होने चाहिए। और आम आदमी पार्टी? वो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड आप देखें 2014 के इलेक्शन को, तो जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था उसके हिसाब से तो कोई काम किया नहीं इन्होंने। नतीजा नोटबंदी के कारण जो छोटे मंझोले व्यापारी थे उनको बहुत परेशानी हुई है। सेकेंडरी के रोजगार के नाम पर जो इन्होंने इतने बड़े वादे किए थे 2 करोड़, इन्होंने 2 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दी। और जो पिछले 5 साल में युवा ग्रेजुएशन करके या अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हैं, आप जानते हैं कि नौकरियों में एक एज फैक्टर भी होता है, उसकी लिमिट होती है, वो लिमिट तो लगभग काफ़ी युवाओं की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 28 साल के बाद तो जॉब मिलता नहीं, ये आपको पता है। रह गई बात भावना और संभावना की, तो बीजेपी की जो लड़ाई होती है वो भावना के अंतर्गत होती है, अगड़ी पिछड़ी की धर्म यही उनका मुद्दा रहता है। जहाँ तक विकास की बात आती है, विकास के नाम पर कोई काम नहीं। तो आप चाहते हैं कांग्रेस बार फिर आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग इस चुनाव में पहली बार इतना सर्वे के बाद एक चीज मिली है कि इन ये जो मेरे साथ खड़े हैं इनका नाम राहुल गांधी है, तो आप वोट भी राहुल गांधी को करेंगे? जी सर, अब की बार राहुल गांधी सरकार, राहुल गांधी सरकार, राहुल गांधी सरकार बहुत खुश है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल। इस बार हम मोदी सरकार देखना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल जो मोदी साहब ने किए हैं उसका अब आगे रिजल्ट आना शुरू होगा, और हम उम्मीद करते हैं भी अगले 5 साल जो आएंगे वो देश की खुशहाली के लिए बहुत बढ़िया निकलेंगे। कांग्रेस की? कांग्रेस से खुश है आप? हाँ। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी वो भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सौदा हमें उनसे मिली कांग्रेस से, कांग्रेस से, और इन्होंने भी अच्छी बत्ती के बारे में करी, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि वही आए, कांग्रेस आए। कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव 12 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार से बिल्कुल खुश? बिल्कुल एकदम खुश, उनके आगे तो कोई है ही नहीं, जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, और दिल्ली के लिए तो खासकर सिर्फ मोदी। और आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो वादे किए थे वो अपने उन पे खरे, उन्होंने दिल्ली में को ना साफ पानी ना स्वच्छ, यहाँ प्रदूषण इतना है कि जो उनके अंदर वो हर जगह उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं पूर्ण राज्य, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य देंगे। अरे जो डिपार्टमेंट तुम्हारे अंदर में आते हैं आप उन पे ही खरे नहीं उतरे, पूर्ण राज्य करके यहाँ करोगे क्या, क्या करोगे? इसलिए ओनली मोदी मोदी मोदी। इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार से खुश है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं, मतलब दिल ने ठान लिया बस अब की बार मोदी सरकार। हाँ जी मोदी सर, मोदी सरकार खुश है मोदी सरकार से? बिल्कुल। हाँ जी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं करके आई, कोई काम नहीं किया, नहीं, और इतना भी कर ले कांग्रेस भी नहीं कर सकते, जो इस देश के लिए प्रधानमंत्री ने करा मोदी ने कोई और देश नहीं कर सकता, ये भिड़वाने वाले काम करते हैं। मोदी सरकार। मोदी सरकार से खुश है? खुश है। कांग्रेस? नहीं। आम आदमी पार्टी? नहीं।
मोदी सरकार, मोदी सरकार, आप मोदी सरकार ही आनी चाहिए बीजेपी, बीजेपी से कुछ। हाँ जी, 12 मई दिल्ली चुनाव, ओके, किसकी सरकार इस बार बना रहे हैं? मोदी जी की। गौतम गंभीर जीतेंगे। बीजेपी से खुश हैं आप? बीजेपी से खुश हैं, चाहे मेरी दुकान छोटी हो गई, मार्केट टूटा है, ठीक है, फिर भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि जो काम उन्होंने 5 साल के अंदर किया है वो काम किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया है, क्योंकि हम मोदी जी को दोबारा फिर लाना चाहते हैं इस काम के लिए।